ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे सरकार का मिलावट पर वार अभियान और स्वास्थ्य नगर सुभाष नगर में की कार्यवाही। रामचंद्र कुल्फी वाले वहीं वैली आइसक्रीम और बता दें कि पायोनियर फूड पर की है कार्यवाही। रामचंद्र कुल्फी वाले के यहां से कई तरह के कृत्रिम रंग मिले, एक्सपायरी कलर और फ्लेवर भी मिले, जिनको मौके पर नष्ट कराया। कर्मचारियों के मेडिकल नहीं मिले, बिना पानी की जाँच कराए। बता दें कि बिसलपुर का पानी यूज किया जा रहा है। अतिरिक्त अधीक्षक पंकज ओझा के निर्देशन पर सीएमएचओ प्रथम की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। देखिए लोगों की सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा था, लेकिन इस पर कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो आइसक्रीम के शौकीन है, गर्मी में देखिए बच्चे ज्यादा से ज्यादा खाते हैं, लेकिन इस बीच उनकी सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरे सहयोगी भरत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। भरत, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करा किया जा रहा था, कार्रवाई हुई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मिलावट पर वार सरकार का अभियान चल रहा है, जिसमें लगातार जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं वो शहर में विभिन्न जो स्टॉल्स है, दुकान है, उन पर सैंपल ले रहे हैं और लोगों के साथ अगर खिलवाड़ किया जाता है तो उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। आज भी जो अतिरिक्त आयुक्त है उनके निर्देशन पर ये कार्रवाई की गई है। सीएमएचओ प्रथम की टीम ने कार्रवाई करते हुए जो रामचंद्र कुल्फी वाला है, वैली आइसक्रीम है, इसके साथ ही पायनियर फूड है, वहां पर कार्रवाई की है और वहां पर जो कृत्रिम रंग जो मिलाए जा रहे थे उनको नष्ट करवाया है। इसके साथ ही उन्हें नोटिस देकर पाबंद भी किया गया है कि साफ सफाई वहां पर रखे। इसके साथ ही कुछ फूड बनाने में जो पानी का यूज किया जा रहा था वो उनकी टेस्टिंग नहीं की हुई थी, बिसलपुर का पानी यूज किया जा रहा था, इसको लेकर उनको नोटिस भी दिए गए हैं। तो लगातार खाद्य विभाग की टीम है वो लगातार शहर में कार्रवाई की कर रही है और जून तक का शेड्यूल उन्होंने बनाया अपनी कार्रवाई को लेकर, जिसमें सबसे पहले तीन दिन उन्होंने आइसक्रीम सहित जो कोल्ड आइटम है उन पर कार्रवाई के लिए ये डायरेक्शन दिए थे और अब उसी के तहत एक सारी कार्रवाई की जा रही। जी ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।